रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि जबलपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की कला अपना अलग रंग दिखा रही है। विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे कैदी मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं। मूर्तियों की खास बात इनका इको फ्रेंडली होना है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देनी है। वाटर कलर और ब्रश के साथ साथ मिट्टी, गोबर और तुलसी के बीच से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां इतनी मनोहर है कि किसी का भी मन मोह ले। इन बंदियों ने जेल में बड़ी संख्या में भगवान गणेश की छोटी प्रतिमाएं तैयार की है। सेंट्रल जेल के काउंटर पर आम लोगों के खरीदने के लिए रखा जाएगा। गणेश मूर्तियों का जायजा लेकर जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश से बात की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह। चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत अब जल्द ही होने वाली है, इसको लेकर हर कोई भगवान गणेश की भक्ति में लीन है। और ऐसे ही इस वक्त हम मौजूद हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में, जहां पर जो बंदी लोग हैं वो यहां पर ये मूर्ति हैं जो वो यहां पर गणेश की बना रहे हैं, और साथ ही ये जो सारे बंदी हैं ये लगातार ये मूर्तियों का निर्माण कर इन्हें गणेश भक्तों तक पहुंचाने के लिए जेल गेट के सामने जो एक दुकान जेल की है वो लगाई गई है। हमारे साथ जो यहां के जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश हैं वो मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, काफी आकर्षक मूर्तियां यहां बनाई जा रही हैं, किस तरह ये पूरा और क्या उद्देश्य है इस पूरी मूर्तियों को बनवाने का? यहाँ केंद्रीय जेल जबलपुर में प्रतिवर्ष मूर्तियां बनाई जाती है बंदियों द्वारा। ये मूर्तियां में विशेषता यह है कि इसमें मिट्टी, गोबर एवं तुलसी के बीज का उपयोग किया गया है, और इसमें जो कलर किया गया है वाटर पेंट का उपयोग किया गया है। लगभग कितनी मूर्तियां हैं जो ये बंदी भाई बना रहे हैं, और इनको किस तरह ये जेल में प्रशिक्षण दिया गया है इनको? ये 10 लोगों की टीम है, इसमें एक बंदी है निक्की, वो पुराना है, उसके घर में बाहर से ही यह व्यापार चलता है, मूर्तियों के समय में मूर्ति वगैरह बनाते रहते हैं, उसके द्वारा सिखलाया गया है। और यहाँ 10 लोगों की टीम है, इनके द्वारा 6 महीने की अथक प्रयास से इन्होंने सीखा है और मूर्ति बना रहे हैं, और प्रतिवर्ष यहाँ बनाई जाती है मूर्ति। जेल की गणेश मूर्ति नाम से जाने जाने वाली, भक्तों में कितना उत्साह देखते हैं आप, किस तरह ये पूरी लेकर जाते हैं अपने 10 दिनों तक पूजन करने के लिए? बाहर इसमें आउटलेट खुला हुआ है, उसमें जो भी व्यक्ति बाहर के श्रद्धालु ले जाना चाहे उचित निछावर कर ले जा सकते हैं अपने घर में। बिल्कुल, ये थे उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश, और यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है कि जो ये बंदी भाई जो मूर्तियां बना रहे हैं और इनसे जो कमाई होती है उसे पूरा बंदी कोष में यहाँ पर दिया जाता है। जबलपुर से INS News के लिए फतेह सिंह।